हाय गाइस गाइस, आज हम भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत की पहचान, आइडेंटिटी की और नज़र डालेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, और गाइस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पिछले वीडियो में कुछ बातें रह गई थी जो आज पूरा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्र पशु बाघ, जलीय जीवन गंगा डॉल्फिन जो कि एक फिश है, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्र पुष्प कमल, राष्ट्र वृक्ष बरगद का पेड़, राष्ट्र फल आम और राष्ट्र खेल मैदानी हॉकी हैं। दोस्तों, अब हम संक्षिप्त में जानेंगे भारत के इतिहास को। दोस्तों, भारत के इतिहास 65,000 से 70,000 साल पुराना माना जाता है। पहले के मानव या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए। इनकी संरचनाएं मेहरगढ़ बलूचिस्तान के अन्य स्थलों में दिखाई दिए, ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुई। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण स्थान है, जहां नवपाषाण युग के बहुत अवशेष मिले। सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ काल लगभग 3500 ईसा पूर्व से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और उससे निकट भारतीय प्रदेशों में फैली हुई थी। 19वीं सदी के विद्वानों के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचे। पहले वे पंजाब में बस गए और ऋग्वेद की रचना की गई। आर्य द्वारा वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया। वैदिक सभ्यता का संबंध आर्यों के आगमन से है। इसका नामकरण उनके वेदों के नाम पर किया गया। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। अधिकतर विद्वान स्कॉलर वैदिक सभ्यता काल 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं, लेकिन आधुनिक विद्वान यह मानते हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में शुरू हुई थी। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी सदी में जैन और बौद्ध धर्म समुदाय लोकप्रिय हुए। अशोक काल का एक महत्वपूर्ण राजा था, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैल गया, पर वो संपूर्ण दक्षिण तक नहीं जा सका। दक्षिण में चोल सबसे शक्तिशाली निकले। गौतम बुद्ध के जीवन काल में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 बड़ी शक्तियां विद्यमान थे। अब आइए 8वीं सदी की ओर। 8वीं सदी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। कुछ स्कॉलर विद्वानों के अनुसार यह भारत में इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक तुर्कों का शासन आ गया, जिन्होंने अगले कई सालों तक राज किया। दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोलकोंडा के राज्य थे। 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, हमला किया। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की और अगले 300 से अधिक सालों तक इस साम्राज्य की शासन चला। इस समय दक्षिण पूर्वी तट से पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरू हुआ। बाबर का पोता अकबर सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात था। उसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया। फिर औरंगजेब का काल शुरू होता है। कुछ इतिहासकार उसे कट्टरपंथी कहते थे, जो कि सरासर बेबुनियाद साबित हुए। इसी समय शिवाजी के नेतृत्व में मराठे बहुत शक्तिशाली हो रहे थे। औरंगजेब ने दक्षिण की ओर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदय हुआ। औरंगजेब के मरते ही 1707 मुगल साम्राज्य बिखर गया। अंग्रेजों ने डच, फ्रांसीसियों और पुर्तगाल को भगाकर भारत पर व्यापार का अधिकार सुनिश्चित किया और 1857 के संग्राम को कुचलने के बाद अंग्रेज सत्ता पर काबिज हुए। फिर 1947 तक अंग्रेजों का शासन चरम पर रहा
भारत को आज़ादी 1947 में मिली, जिसमें सारे समुदाय का योगदान महत्वपूर्ण था। 1947 के बाद भारत में गणतांत्रिक शासन लागू हुआ, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ और फिर दोनों के बीच कश्मीर जैसे मुद्दों पर तनाव बना, जो अभी तक चल रहा है। वैसे तो भारत का इतिहास बड़ा लंबा है, लेकिन हमने इसको संक्षिप्त में जाना, शॉर्ट में बयान किया। ऐसे हिस्टोरिकल नॉलेज को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।